बाकी एक ऐसे बंदे ना हफ्ते लगने चाहिए, बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, बीआरपी के घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं, खुला रिकॉर्डिंग है इसमें, समझ रहे हो? अंदर से बड़ा खून खोलता है, एक ही फोन है और वो भी फोन छीनने के चक्कर में मेरा, वो तो पुलिस वाले अंकल आए तुम्हारे वो भग लिया यहाँ से, समझ रहे हो? ब्लॉग बनाना भी बड़ा दुश्वार हो गया है, बताओ क्या करा जाए? अरे हम भी हो तो पकड़ने का अभी को चुप रहा, 6 बजों की तो चुप रहा, मैं शूटिंग कर रहा था वहाँ पे, ये भैया वहीं पे बैठे थे आधे घंटे से, मैं भी वहीं बैठा हुआ था। चलो कोई ना, कैसे जाते हैं, कोई नहीं, देखते हैं, रिकॉर्डिंग तो है मेरे पास, वीडियो होगी मेरा, देखो मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरा यूट्यूब पे चैनल है, फेसबुक पे भी है, मैं रिकॉर्डिंग ब्लॉग चल रहा हूँ। हाँ हाँ, फिर वहां से ये बंदा आया एकदम ही, एकदम ऐसी स्कूटी लाया, मैंने सोचा फोन छीने का, तो मैंने कहा क्या हुआ, गाड़ी देता हुआ आया, पूरा रिकॉर्ड है इसमें, मैंने कहा फिर मैं आया, मैंने क्या बात है, अब फिर यहाँ चौड़े होने लगे वो, मैंने कहा 6 जने चुपचाप रहो, समझदारी से काम ले लेना, वही जो इंसान कह रहा था मैं चौड़ा हो जाता उनपे तो क्या फायदा, वो समझदारी नहीं होती। अरे देखो ऐसा है, तुम्हें लड़की है, लड़की क्या करेगी है? इस बारे में चुपचाप चला गया यहाँ से, मैं इस बारे चुपचाप निकल गया, मैंने यार अकेला हूँ कोई बात नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग पर। दोस्तों देख सकते हो कहाँ पर खड़ा हूँ मैं इस समय, मैंने पूरे दिन काम धंधा करके शाम के 7 बज रहे हैं और अभी भी ऐसा लग रहा है कि दिन निकल रहा है। लोकेशन इतनी प्यारी है हमारे यहाँ की, जब से ये सिग्नेचर ब्रिज बना है ना दोस्तों, देख रहे हो कितना ऊंचा है ये सिग्नेचर ब्रिज, जब से बना है हमारा पुराना वाला पुल जो है ना वजीराबाद का, वो बिल्कुल खाली हो गया, यानी कि ट्रैफिक नहीं मिलता भाई, जमुना पार वालों के और गाजियाबाद मेरठ और ये सारे सबके मजे आ गए, नहीं तो यहाँ पे जो ना वजीराबाद पुल पर फंस जाते थे हम लोग, समझे दोस्तों। हम आते संडे टू संडे यहाँ पे ब्लॉग शूट करने आते हैं, टेडी बियर का भी करते हैं, अभी थोड़ा काम धंधा नहीं है तो इसीलिए मैं आ नहीं पाता हूँ, क्योंकि ऑटो की गाड़ी निकालना और टेंशन थोड़ी सी रहती है, तो इसीलिए मैं अभी आता नहीं हूँ। बाकी उधर सामने देख रहे हो वो वाला, वो सामने देखो पब्लिक कितनी है उधर, वहां पर पब्लिक इतनी है कि भाई उधर की साइड में ना ज्यादा शूट करते हैं लोगों का। दोस्तों मैंने कहा था, सही कहा था, वो सही हुआ, पुलिस चौकी देख रहे हो, ये पुलिस चौकी उधर लगती है मुखर्जी नगर की साइड में, यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, और वो थाना उस्मानपुर में लगता है, लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, गए वो लड़के, गए गए लड़के, गए वो, हाँ हाँ स्कूटी पर तीनों, अंदर पकड़ के ना बिठा लो, मैं उनकी एस्टेसी करवा दूंगा, पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उन्होंने खुला मेरे को गाली दी है और कहा हम आम फोन छीनते हैं, ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, अब मैंने 100 नंबर पर कॉल हुआ, टाइम लगेगा, मेरी देख लेता हूँ कुछ हेल्प हो जाती है, तो इससे पहले भी कई बार वारदात हो चुकी है यहाँ पे, 15 मिनट में हो जाता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं मिलता, मिलता है तो भजनपुरा मिलता है दोस्तों, समझ रहे हो? और इसके बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, ये सिग्नेचर ब्रिज देख रहे हो ना, और वहां सामने ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखो दोस्तों, वहां पे जो है ना भाई होटल है, सभी लोग बोलते हैं कि वहां पे ना होटल है, और होटल जो है अभी शुरू नहीं है, यानी कि ये ब्रिज तो चालू कर दिया है शायद, है, है, है लड़के हैं शायद, जो थे गए हैं वो जो लड़के अभी थे वो हैं, गए हैं वो जो लड़के अभी बदतमीजी कर रहे थे, हैं अभी नहीं गए, देखो इनके सामने कितनी बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे, और इस लड़की का भी फोन सकने के चक्कर में, समझे बताओ, मैंने वो 6 जने मैंने शांति में आराम में मैंने देखता हूँ, अगर कोई करे हुए इसी मारे निकल गया मैं यहाँ से, समझ रहे हो?
दो चार दिन हम भी हो तो पकड़ लेगा अभी को छह बजे में चुप रहा छह बजे तो चुप रहा मैं शूटिंग कर रहा था वहाँ पे ये भैया वहीं पे बैठे थे आधे घंटे से मैं भी वहीं बैठा हुआ था। चलो कोई ना कैसे जा रही है कोई नहीं देखते हैं रिकॉर्डिंग तो है मेरे पास वीडियो होगी मेरा देखो मैं ऑटो चलाता हूँ मेरा यूट्यूब पे चैनल है फेसबुक पे भी है मैं रिकॉर्डिंग ब्लॉग चल रहा हूँ फिर वहां से ये बंदा आया एकदम ऐसी स्कूटी लाया मैंने सोचा फोन छीने का तो मैंने कहा क्या हुआ गाड़ी देता हुआ आया पूरा रिकॉर्ड है इसमें मैंने कहा फिर मैं आया मैंने क्या बात है अब फिर यहाँ चौड़े होने लगे वो मैंने छह जने चुपचाप रहो समझदारी से काम ले लेना वही जो इंसान कह रहा था मैं चौड़ा हो जाता हूँ उनपे तो क्या फायदा वो समझदारी नहीं होती। अरे देखो ऐसा है तुम्हें लड़की है लड़की क्या करेगी है इस बारे में चुपचाप चला गया यहाँ से मैं इस बारे चुपचाप निकल गया मैंने यार अकेला हूँ कोई बात नहीं यही तो चक्कर है मैं इस बारे में बाकी एक ऐसे बंदे ना हफ्ते लगने चाहिए बिना हेलमेट के घूम रहे हैं बीआरपी के घूम रहे हैं क्यों घूम रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं खुला रिकॉर्डिंग है इसमें हाँ हमारी छाप देंगे मिल जाते तो मैं करवाता आगे तक सही लटका देता मैं इन्हें। चलो कोई बात नहीं भाई निकल गए भाई वो बंदे जो है निकल गए कोई बात नहीं मिल जाते तो मैं सही से डंडा भजवाता आज उन्हें बढ़िया वाला भजवाता जिंदगी में याद रखते ये दो मिनट में अपनी औकात दिखा देते हैं ना औकात यानी कि हम पाकिस्तान से आए हैं पाकिस्तानी है ये है वो है बड़ा खून खोलता है अपनी औकात दिखा देते हैं साले दो मिनट में समझ रहे हो अंदर से बड़ा खून खोलता है ये भी फोन है और वो भी फोन छीनने के चक्कर में मेरा वो तो पुलिस वाले अंकल आए तुम्हारे वो भगली है यहाँ से समझ रहे हो ब्लॉग बनाना भी बड़ा दुश्वार हो गया है बताओ क्या करा जाए ठीक है इसके बारे में किसी से पता ही नहीं है इतना कहते हैं कि भाई होटल है और होटल जब चालू हो जाएगा तो हम भी जाएंगे देखेंगे लेकिन भाई कारीगरी करी गई है पूरी की पूरी इस समय मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना इसके ऊपर जमुना जी में देख रहे हो वो मेट्रो बन रहा है सामने ठीक है मेट्रो बन रहा है मेट्रो में कितने पिलर लगे हुए हैं कितने लगे हुए हैं छह सात लगे हुए हैं और यहाँ पे जो है ना ये जो खंबा है ना ये वक्त तो हमारे नए सब्सक्राइबर जितने भी हैं 40,000 से ऊपर समझ रहे हो 40,000 40 होने वाले हैं यानी कि 30,000 से ऊपर सब्सक्राइबर जो है और वो भी हमारी दिल्ली से नहीं है भाई वो है हमारे बाहर से समझ रहे हो। अब राज्य के नाम तो मैं क्या बताऊं पता ही नहीं सब्सक्राइबर हमारे कहाँ से जुटते जा रहे हैं लेकिन भाई इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से शुक्रिया करता हूँ मैं इतना अभिनंदन करता हूँ कि मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो इतने जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं जो मैंने सोचा था दोस्तों शायद अब वो सपना पूरा होने वाला है ज़्यादा दिन नहीं है यानी कि हमारा 2025 में चैनल मोनेटाइज हो जाएगा मोनेटाइज तो अभी महीना दो महीने में हो जाएगा लेकिन मैंने लंबा सोच के चला था दोस्तों कि 2022 में मैंने चैनल खोला 23 गया 24 गया 25 भी सोच ही रहा हूँ कि कोई बात नहीं 3-4 साल लगते हैं लेकिन आपने इतना प्यार सपोर्ट करा मेरे को भाई इस महीने अगले महीने चैनल में ना यूट्यूब का ना भाई मोनेटाइज करा लूँगा फेसबुक का तो आपको पता ही है हो गया है डॉलर भी बनना चालू हो गया है डॉलर बन भी रहा है पैसा भी आने वाला है आ ही जाएगा थोड़े दिनों में अभी समय लगता भी ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है समझ रहे हो अभी देख रहे हो रोड पर क्या हाल हो रहा है भाई जनता जो है रुक नहीं रही अपने घर को जाए जा रही है अपने घर को जाए जा रही है सीधा किसी को टाइम नहीं है हमारी दिल्ली कभी सोती नहीं है दोस्तों समझ रहे हो हमारी दिल्ली कभी सोती नहीं है धुआंधार गाड़ी चले जा रही है धुआंधार गाड़ी चले जा रही है अपने घर को जा रही है भाई कोई गाजियाबाद जा रहा है कोई हरिद्वार जा रहा है कोई मेरठ जा रहा है कोई भजनपुरा जा रहा है कोई कहीं जा रहा है किसी के पास समय नहीं है सब अपने घर घर जा रहे हैं धुआंधार भाई शाम के 7 बज रहे हैं ऑफिस का टाइम हो गया है
आवाज पता नहीं कैसी आ रही होगी कैसी नहीं आ रही होगी। अब डर तो यूं भी लगता है, ये लड़के जो है देखो एक मेरा मोबाइल छील के ना भाग जाए, समझ रहे हो, हम ब्लॉगिंग तो कर रहे हैं, डर लगता है कि हमारा कोई मोबाइल ले न भग जाए, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वारदात होती है दोस्तों, समझ रहे हो। इस पर ना दोस्तों कभी भी आयो तो भाई मोबाइल थोड़ा मैंने तरीके से पकड़ रखा है और देखभाल कर रहा हूँ, नहीं तो मोबाइल भी तुम्हारा लेके कोई भग जाएगा, समझ रहे हो। हमारी दिल्ली भाई ऐसी चलती रहती है, ऐसी चलती रहती है, धुआंधार चलती रहती है, कभी सोती नहीं है, सोती नहीं, बस देते नहीं भैया। गाँव की जिंदगी बढ़िया है, खेत तार काटो, भैंस का चारा वारा डालो और रात को सो जाओ आराम से। यहाँ तो भैया दिन में सोते हैं, रात को जगते हैं लोग, समझ रहे हो। अभी देख रहे हो शाम के 7 बज रहे हैं, धुआंधार गाड़ी चल रही है, धुआंधार गाड़ी चल रही है, ये देखो भाई धुआंधार गाड़ी चल रही है, देख रहे हो किस तरीके से गाड़ी चल रही है। और अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे, पता क्यों, हवा अच्छी लग रही है यहाँ पे भाई, बदबू जरूर आ रही है जमुना जी की। हमारे यहाँ पे जमुना जी में इतनी गंदगी है, बहुत ही ज्यादा गंदगी है, हमारे वजीराबाद से उधर पानी रोक रखा वहां तो बढ़िया, यहाँ पे सिग्नेचर कराऊ किसी दिन ना जाके जेन्युइन तरीके से यहाँ की जमुना जी की हालत दिखाऊंगा, बिल्कुल काली गंद और एकदम बदबू आती है इस समय यहाँ पे, समझ रहे हो। और सामने ही दोस्तों मजनू का टीला है, कुछ दिन बाद ना ये मेरा सपना है कि आने वाले टाइम में हम वहां पे केक जरूर काटेंगे, समझ रहे हो, पेमेंट आएगी या फिर चैनल मोनेटाइज होगा यूट्यूब का, तब जाके वो जो होटल है ना सामने मजनू के टीवी पे, वहां पे जाके केक वेक काटेंगे और वहीं पे अपना एंजॉय करेंगे। अभी तो नहीं, अभी टाइम लगेगा, सारे काम भाई समय लगता है, हर चीज में समय लगता है, ऐसा नहीं है 15 साल से ऑटो चला रहा हूँ कुछ नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आज यूट्यूब ने मेरे लिए वो सपने दिखा दिए कि शायद मैं कभी जिंदगी में ना देख सकता, समझ रहे हो। और आने वाले टाइम में मैंने मेहनत भी करी है 2-3 साल, तो दोस्तों आने वाले टाइम में इसका फल भी मुझे ही मिलेगा, समझ रहे हो। तो चलते हैं अभी घर पे दोस्तों, देखते हैं यार सवारी वारी मिल जाए खजूरी वजूरी से तो सवारी देखेंगे, और नहीं तो भाई घर चलेंगे, घर पे जाके अभी वीडियो एडिटिंग वगैरह थंबनेल टाइटल ये सब कुछ लगना पड़ता है, शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने अभी डाली नहीं है, उनको एडिट करके डालना पड़ेगा तो उनमें टाइम लगता है दोस्तों, ऐसा ही नहीं है कि हमने उठाई और डाल दी, नहीं टाइम लगता है। अब ये भाई जा रहे हैं, ये वाले भाई जा रहे हैं, देख रहे हो, ऐसे हम ना वीडियो शूट कर लेते हैं इनका और वीडियो शूट करके फिर मैं डाल देता हूँ, समझ रहे हो। मौसम अच्छा हो रहा है दोस्तों, बादल घने गले, मतलब ऐसा लग रहा है बारिश होगी क्या, देख रहे हो ऐसा लग रहा है बारिश होगी क्या, बारिश का मौसम हो रहा है लेकिन होगी नहीं, समझ रहे हो। चलते हैं दोस्तों अपने घर पे, और टाइटल थंबनेल और वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगे तो कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, पता क्यों, इस वीडियो से मोटिवेट होता है सामने वाला, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को अच्छा लगेगा ना, आप लोग कमेंट करोगे बताओगे कि हाँ भाई वीडियो तुम्हारा हम देखते हैं, देखते नहीं है क्या है क्या नहीं, इससे अच्छा लगता है। जैसे आप लोग यूट्यूब पे फेसबुक पे शॉर्ट वीडियो पे कमेंट करते हो शेयर करते हो, तो वो सब भी कर दिया करो प्लीज, समझ रहे हो। चलते हैं दोस्तों यहाँ से अब, और ब्लॉग हमारा यही है और ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकते, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, शाम के 7 बज रहे और चलते हैं घर पे, 1-1.5 घंटा एडिटिंग करने में लगे, टाइटल थंबनेल लगाने में, ये बहुत सरदर्दी वाला काम है, ऐसी बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता ये यूट्यूब के काम, समझ रहे हो। तो दोस्तों अभी घर चलते हैं, कल का ब्लॉग कल देंगे, काम तो बस ऐसे ही हल्का ही है दिल्ली में। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों, कल के ब्लॉग तो मिलेंगे आपको, जय हिंद दोस्तों।